लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.6 को सॉल्व किया था, और ये जो वीडियो है इसमें हम प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2.7 को सॉल्व करेंगे। सो स्टेटमेंट कुछ इस तरह से है कि फाइंड वी नॉट एंड आई नॉट इन द सर्किट ऑफ फिगर 2.26। दिस इज़ फिगर 2.26, इसमें हमने वी नॉट फाइंड करना है, ठीक है। दिस इज़ वी नॉट एंड दिस इज़ आई नॉट। हमने इस करंट को फाइंड करना है और इस वोल्टेज को फाइंड करना है, ठीक है। सो अब इसका एनालिसिस हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले कुछ चीज़ें आप क्लियर कर लें, वो ये हैं कि आपके पास ये जो चारों एलिमेंट्स हैं ये चारों पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है। और पैरेलल में कनेक्ट होने का आपके पास दो स्टेट रीज़न है, ठीक है। एक रीज़न तो ये है कि आपको पता है कि अगर आपके पास सीरीज सर्किट हो, फॉर सीरीज सर्किट करंट इज़ सेम, ठीक है। और अगर पैरेलल सर्किट हो तो वोल्टेज आपकी सेम होती है। अब अगर इस लॉजिक को हम देखें तो हम ये कंक्लूड कर सकते हैं यहाँ पे कि देखें जो करंट 9 एम्पीयर यहाँ पे एंटर हो रहा है, तो जब कभी भी जंक्शन आता है तो आपने अकॉर्डिंग टू KCL आपने ये पढ़ा हुआ है कि करंट जो है वो इस एक नोड के ऊपर डिवाइड होता है, ठीक है। सो अगर 9 एम्पीयर एंटर हो रहा है तो कुछ करंट I0 यहाँ पर आ रहा है और कुछ करंट जो है वो यहाँ से लीव कर रहा है। सो करंट तो यहाँ पे सेम नहीं रहेगा, तो इसका एक रीज़न तो हमारे पास ये आ गया कि हमारे पास सर्किट जो है वो किस में है, वो पैरेलल में है। अब अगर आप वोल्टेज की बात करें तो वोल्टेज के लिए देखें वोल्टेज किस केस में आपके पास जो है वो इक्वल है या किस तरह आपके पास इक्वल है। सो देखें अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, अगर मेरे पास ये एक पॉइंट है नोड, इसको मैं कहता हूँ कि अगर लेट्स दिस इज़ फॉर लेट्स सपोज दिस इज़ अ नोड, ठीक है। अगर ये नोड है तो एक नोड और दूसरे नोड के दरमियान में आपके पास कोई ना कोई ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसके ऊपर वोल्टेज ड्रॉप हो, ठीक है। अगर यहाँ पे एक रेजिस्टर लगाते थे हम, ठीक है, तो कुछ ना कुछ वोल्टेज यहाँ पे ड्रॉप हो जाते हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ये VA है और ये मेरे पास VB है दूसरा जंक्शन, तो अगर यहाँ पर कोई एलिमेंट होगा तो यहाँ पर कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। सो एलिमेंट अगर नहीं है तो हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जस्ट हमारे पास कंडक्टर है, ठीक है। अगर कंडक्टर है तो जो वोल्टेज अगर इस पॉइंट पे VA है तो इस पॉइंट पे भी VA ही रहेगा, इस पॉइंट पे भी VA ही रहेगा और इस पॉइंट पे भी VA ही रहेगा। नाउ इफ़ टू जंक्शंस आर एट द सेम पोटेंशियल, देन वी कैन से दैट द सर्किट और द टू पॉइंट्स हैव ज़ीरो वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। सो अगर इस पॉइंट पे वोल्टेज ड्रॉप ज़ीरो है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, तो ये जो कंपोनेंट होगा, जैसे यहाँ पे 9 एम्पीयर जो सोर्स है ये और ये जो 2 ओम का जो रेजिस्टर हुआ, ये दोनों आपस में पैरेलल में हो जाएंगे, क्योंकि इनकी वोल्टेज इस पॉइंट की जो वोल्टेज है वो इक्वल है इस पॉइंट और इस पॉइंट की वोल्टेज के। सो इसलिए हम ये कह रहे हैं कि ये जो सर्किट है ये पैरेलल में है। अब यहाँ पर बात ख़त्म नहीं हुई। अगर आपके पास सर्किट पैरेलल में है तो जो वोल्टेज आपकी यहाँ पे है वी नॉट, वो वोल्टेज आपकी यहाँ पे भी होगी, ठीक है, वी नॉट यहाँ पे भी होगी। अब पैरेलल में अगर वोल्टेज सेम है तो वी नॉट जो है वो यहाँ पे भी होगी। सो यहाँ पे अगर वोल्टेज वी नॉट है तो यहाँ पे हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट जो है वो कंक्लूड कर लिया, वो ये कि अगर आपने वी नॉट फाइंड करनी है तो वी नॉट इज़ नथिंग बट इट इज़ इक्वल टू दी आई नॉट इनटू 2 ओम, ठीक हो गया। सो आई नॉट हमने फाइंड कर लिया अगर, तो हम इजीली जो है वो जस्ट उसको 2 से मल्टीप्लाई करवा के वी नॉट को फाइंड कर सकते हैं। सो मैं अब इसको सॉल्व करता हूँ। सो देखिए आप कि किस तरह से हम आई नॉट फाइंड करेंगे। अब ये मेरे पास जंक्शन है, ठीक है, मैं कहता हूँ दिस इज़ जंक्शन ए। सो व्हाट इज़ द करंट विच इज़ एंटरिंग इन जंक्शन ए, 9 एम्पीयर। सो एंटरिंग करंट को मैंने एक साइड पर लिख लिया 9 एम्पीयर, और लीविंग करंट को मैं दूसरी साइड पर लिख लूँगा इक्वल के। सो लीविंग करंट क्या क्या है मेरे पास, आई नॉट प्लस एक ये करंट लीव कर रहा था, एक ये करंट लीव कर रहे हैं, सो दिस इज आई नॉट बाय 4। उसके बाद ये करंट जो है वो लीव कर रहा है वो कौन सा है, प्लस वी नॉट बाय 8, ठीक है। ये मैं कैसे लिख रहा हूँ, आई इज इक्वल टू वी बाय आर, ठीक है। सो ये भी मेरे पास करंट है, ये भी करंट है, ये भी करंट है, ये भी करंट है। अब मैंने ये कहा था कि क्योंकि मेरे पास सर्किट जो है वो पैरेलल में है, तो जो वी नॉट है वो मेरे पास सिंपली इक्वल है आई नॉट इनटू 2 के। सो मैं वो वैल्यू यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। सो 9 इज़ इक्वल टू आई नॉट प्लस आई नॉट बाय 4 प्लस व्हाट इज़ वी नॉट, वी नॉट इज़ नथिंग बट 2 इंटू आई नॉट डिवाइड बाई 8।
सो 9 इज इक्वल टू आई नाट प्लस आई नाट बाई 4 प्लस यहाँ से 2 8 को कैंसिल करेगा तो आई नाट बाई 4। सो ये अगर आप इसको यहाँ पे देखें तो ये क्या बनता है, 9 इज इक्वल टू आई नाट प्लस 2 इंटू आई नाट बाई 4 2 इंटू आई नाट बाई 4 या 2 इंटू 1 एंड 2 टू आर 4। सो 9 इज इक्वल टू आई नाट प्लस आई नाट बाई 2। सो दिस इज 1 एंड दिस इज 1 बाई 2। सो यहाँ से आगे मैं इस पॉइंट पे आ रहा हूँ, 9 इज इक्वल टू 2 आई नाट बाई 2 प्लस आई नाट बाई 2। मैंने क्या किया, मैंने सिंपली इसको आई नाट को 2 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, 2 से डिवाइड भी करवा दिया। दिस इज सिंपल मैथमेटिक्स। सो 2 आई नाट प्लस आई नाट डिवाइड बाई 2। सो 9 इज इक्वल टू 3 आई नाट बाई 2। यहाँ से 2 को मैं इस तरफ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। सो 18 इज इक्वल टू 3 आई नाट या आई नाट इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाई 3 एंड दिस इज 6। सो आई नाट इज इक्वल टू 6 एम्पेयर। आई नाट इज इक्वल टू 6 एम्पेयर। अब अगर मैंने वोल्टेज फाइंड करनी है तो वोल्टेज के लिए मैंने आपको बताया था कि सिंपली V naught is nothing but I naught into 2. So V naught is equal to what is I naught? I naught is 6 into 2 and V naught is equal to 6 into 2, 12 volt. This is here. Okay, so next problem जो होगी वो हम practice problem 2.8 जो है उसको हम solve करेंगे। और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। आपका जो सब्सक्रिप्शन है, आपकी जो लाइक है, आपके जो कमेंट्स हैं, ये मुझे मोटिवेट करते हैं मज़ीद प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, मज़ीद लेक्चर्स को अपलोड करने के लिए। सो चैनल के साथ कनेक्टेड रहें, ये चैनल आपके लिए है, आपको हेल्प आउट करेगा, नॉट फॉर ओनली एल सी ए बट फॉर ऑल्सो अदर सब्जेक्ट्स लाइक फॉर इलेक्ट्रिक मशीन्स, पावर सिस्टम एंड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स।